अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? सबको ईद मुबारक। जिसमें शेर खुरमा है, सेवैयाँ हैं, एक पैकेट घी है, असली घी, और ये इलायची तोड़ के रखी हुई हैं, उनको ग्राइंडर में हल्का सा कर लिया था, तो अब ये मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। इसमें आधा चम्मच एक घी का डाला है, सेवैयाँ तोड़ के रखी हुई हैं, उनको बारीक कर लिया है, इलायची डाल के, इलायची थोड़ी सी टूटी हुई है, मतलब दाने निकले हुए, तो ज़्यादा देर उसको करने की ज़रूरत नहीं। सेवैयाँ डाल रही हूँ इसमें, इसको आहिस्ता आहिस्ता, कैमरा एक हाथ में है ना, तो इसलिए रखने में उसमें। अब इसको भूनना शुरू करूँगी हल्का हल्की हल्की आँच पे, ताकि जले नहीं है और इनका गोल्डन रंग हो जाए। वाइट सी थी, ज़्यादा सिकी भी नहीं थी ये, तो थोड़ी ज़रा ज़्यादा देर इनको सेकना पड़ा। हल्की सी गोल्डन सी हो गई और खुशबू आने लगी इसमें उनके भुनने की। तब इसके अंदर अब दूध 1 किलो पका के रखा हुआ था, वो दूध अब डाल दिया, और फुल क्रीम दूध है, मतलब गाय का जो पैकेट वाला नहीं है, क्योंकि अभी इसमें जो घर की बलाई है रखी हुई 1 पाव फ्रीज़र में, तो वो भी इसमें डालूँगी, तो इसलिए ज़्यादा दूध नहीं लिया है। अभी आहिस्ता आहिस्ता इसमें 10-15 मिनट पकेंगे, ताकि सेवैयाँ नरम हो जाएं थोड़ी सी, तो फिर इसमें छुआरे या खजूर हैं तो खजूर, और ये शक्कर के 2 पैकेट नाप है शक्कर का, तो ये तकरीबन 8 चम्मच टेबल स्पून से ज़्यादा ही है थोड़े से। और फिर इसमें दूध की मिठास भी है, खजूर भी डली हुई हैं, छुआरे बहुत ज़्यादा देर तक पकाने पड़ते हैं, तो ये खजूर जल्दी हो जाती है, क्योंकि सेवैयाँ तो और गाढ़ा दूध हो तो ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं होती, जल्दी गाढ़ी हो जाती हैं। और ईद की ये स्पेशल होती है स्वीट डिश शीर खुरमा, इसके बग़ैर तो ईद ही नहीं। जो भी कोई आता है तो सबसे पहले शीर खुरमा ही पेश किया जाता है। अब इसके अंदर मैं फ्रेश जो फ्रीज़र में रखी हुई थी 2-3 दिन की बलाई, वो डाल रही हूँ मैं, और इसको ठंडा कर लिया था सेवैयों को, ठंडी होने के बाद फिर इसके अंदर ये डाली, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो, गरम गरम में फिर फट जाती। तब ये जब मेल्ट हो जाएगी तो फिर हल्का सा चूल्हा जला के, क्योंकि गर्म ही खाया जाता है अभी ताज़ा, तो 1 दिन पहले नहीं, फौरन ही अभी बनाया है, अभी इसको डैश आउट करेंगे। इसमें बादाम, पिस्ते, काजू ये काट के भिगो के रखे हुए थे, भी काट के उनको इसके ऊपर गार्निश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और फिर नई किसी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। ये ईद की मुनासिबत से बनाई थी।
शुक्रिया बहुत बहुत देखने के लिए, आप सबका, पसंद करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।